साय का एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं संडे होता है और तेरू आई होती है घूमने के लिए। वो बाहर आकर अभ्युषण को बोलती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। अभ्युषण बोलती है कि अच्छी तो लग रही हो, लेकिन अब मुझे क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर तेरू थोड़ा घबरा जाती है। तेरू बोलती है कि अभ्युषण तुम ऐसे बाहर मत आओ, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मैं साय हूँ। लोग उसे घूर घूर कर अजीब नज़र से देख रहे होते हैं और साय वहाँ पर उसकी दोस्त का वेट कर रही थी। अभी उसका दोस्त आ जाती है इको और बोलती कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं हुआ ना। इको अभ्युषण को भी गुड मॉर्निंग बोलती है। ये सुनकर साय थोड़ा घबरा जाती है। तेरू पूछती है कि क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया। इको बोलती है कि हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी पैर चेक कराने के लिए, वो बोले ठीक हो गया है मेरा पैर। तेरू सोचती कि शायद ये वही रिंग की वजह से हुआ है। इको तेरू को खींच कर वहाँ से ले जाती है एक चीज दिखाने के लिए और वो आकर बहुत मजे करते हैं और बहुत सारे ड्रेस पहनते हैं, फोटो खींचते हैं, फिल्म देखते हैं, खाना पीना करते हैं। खाने के बाद इको पूछती है कि क्या तुम्हें मजा आया मेरे साथ। तेरू इतने मजे करे थे कि वो थक गई थी। ये देखकर इको उसके पास आ जाती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना। अभ्युषण बोलता है कि इसने बहुत सारे मजे किए हैं और तुम्हारे साथ घूमने भी गई थी, इसलिए वो थक गई है। और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तेरू बोलती कि जब मैं वॉशरूम से जाकर आई तो तुम डिमोनाइज हो चुकी थी इको, ने पूरा उस नर्सरी ऑफिस को बर्बाद कर दिया था। उस नर्सरी ऑफिस के स्टाफ को मैंने बोल दिया यहाँ पर एक भालू आ गया था, वो सब इधर उधर कर दिया, वो भी मेरे बात पर बिलीव कर दिए। ये सुनकर इको बोलती कि क्या मैंने ही उस ऑफिस रूम को डिस्ट्रॉय किया था। इको ये बोलकर वहाँ पर नर्वस हो रही थी। तेरू सोचते कि मैंने यहाँ पर मज़ा खराब कर दिया। इको बोलती है तेरू तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम मेरे एज को हो, लेकिन तुमने बहुत लोगों को बचाया है। तेरू बोलती है कि मेरी इसी कपड़े के वजह से मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहीं पर मुझे इमेजमेंट होना पड़ता है, लेकिन मुझे इस तरीके का कॉस्ट्यूम पसंद नहीं। इको बोलती है कि मुझे तो कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगा। वो जैसे ही खाना पीना खत्म कर कर उठते हैं, उन्हें एक बच्चे का रोने का आवाज़ आता है। वो उसे पकड़ कर उसके पापा मम्मी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उनका पापा मम्मी को वो ढूंढ लेते हैं और दे देते हैं और वो वहाँ पर उनको थैंक यू बोल कर चले जाते हैं। इको खुश होकर बोलती है कि मुझे एक लड़के ने बचाया हीरो के सामने। वो जाते हुए फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इको बोलती कि क्या तुमने कभी मिले हो उनसे। तेरू बोलती कि नहीं, मैं कभी नहीं मिला हूँ। इको बोलती है कि उनका जो फैन बेस है वो हर एक शहर में है। और तभी तेरू को कॉल आ जाता है। इको पूछती है किसका कॉल है। तेरू बोलती है और एक हीरो का। तेरू को जिस हीरो के कॉल आई थी वो बोलती है कि तुम्हारे दोस्त को लेकर आओ यहाँ पर। हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक साइकोपैथ को जो कि बहुत आदमियों को मार रहा था, लेकिन ये एक टीवी का शूट था। इसका नाम टाटोस है और ये ब्रिटेन का हीरो है। साय उसका दोस्त स्पिरिट आकर छत के ऊपर बात कर रहे होते हैं और साय अपनी दोस्त को अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है और वो पोर्टल खोलकर स्पेस स्टेशन में आ जाते हैं तीनों। वो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं। तभी हमें यूनिच को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना लाई होती है और वो चारों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी इको पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर एक फ़ोटो खींच सकती हूँ। यूनिची उसे परमिशन दे देती है फ़ोटो खींचने के लिए। वो वहाँ पर फ़ोटो खींचने लगते हैं और सब साफ करने के बाद वहाँ पर साफ सफाई चल रहा था। तभी वहाँ पर बातें करते हुए इको गिर जाती है। तभी उसे स्टारडॉस पकड़ लेता है। वो रिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे जापान में ये रिंग पहली बार आया है। पहले साय ने ही इस लड़की को बचाया है। जो स्टारडॉस थे वो बोलते हैं कि ये तुमने कैसे किया।
साहिब बोलती है कि ये सब बातें मुझे आबियो सान ने बताया कि वो कर्ज ऑफ हार्ट है, इसलिए उसका पावर वो रिंग में है और वो रिंग निकाल दो तुम। और मैं समझकर वो रिंग निकाल दिया। वो स्टारडस्ट बोलता है कि तो तुमने ऐसा किया। यूंची बताती है कि ये एक ऐसा रिंग है कि अगर तुम इसे एक बार पहन लो तो तुम्हारे दिल में जितना भी गुस्सा जितना भी दर्द है वो सबको बाहर निकाल देता है, वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में। ये सुनकर ईगो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यूनिची बोलती है कि तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जिसके साथ पाला पड़ा था वो था प्रिज्म ऑफ हार्ट, और ये जो रिंग में लिखा हुआ है ना, ये एक एनर्जी है, डार्कनेस एनर्जी, और वो बंदा जिसको भी ये रिंग पहनाता है उसके साथ यही होता है। तभी वो बोलती है इनके साथ फाइट कौन करने वाला है। तभी स्पिरिट बोलती है कि साय करेगी। स्टार्डस बोलता है कि तो तुम रेडी रहो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए, जो जीतेगा वो ही उसके साथ फाइट करेगा। और वो रेडी हो जाती है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो खत्म होता है। हाय लड़के की साय कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताना। बाय बाय गाइस।